दोस्तों, नागपुर नागपुर के बारे में आप जानते ही होंगे कि इतिहासों में ये नागलोक के नाम से वर्णित हुआ है और आने वाले समय में यहाँ पे गोंडवा राजाओं का राज्य स्थापित हुआ था और उन्होंने नागपुर का विस्तार किया। उसी के बाद यहाँ पे भोसले राजाओं का भी राज्य आया था और उन्होंने भी अपना राज्य का विस्तार किया और उसी शासन काल में उन्होंने बहुत से मंदिरों का यहाँ पे निर्माण किया है। उन्हीं में से एक मंदिर में हम आए हैं, आगाराम देवी मंदिर, जिसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे आज के वीडियो में और माँ के दर्शन भी हम कराएंगे साथ में। तो चलिए चलते आगाराम देवी के दर्शन कराएंगे और कुछ बातें बताएंगे ये मंदिर कब और कैसे यहाँ पे स्थापित। तो दोस्तों, ये मंदिर नागपुर के गणेश पेंट बस स्टैंड के पास और जो शुक्रवारी तालाब के पास विराजमान है ये मंदिर। ये मंदिर राजा भोसले के करीबन गांधी गेट के पास जो राजा भोसले का महल था या अभी भी है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा गेट सजाया हुआ है माता जी का। आप जानते होंगे कि नवरात्रि अभी खत्म ही हुई है, उसी की सजावट बहुत ही जबरदस्त हुई थी यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो ये मंदिर का द्वार है दोस्तों और वो सामने माता जी विराजमान है। नवरात्रि अभी खत्म हुई है तो आप सजावट देख ही सकते हो मंदिर की। मंदिर में एंट्री करते समय लेफ्ट हैंड पे गणेश जी विराजमान है, उनके दर्शन हो जाते हैं। और राइट हैंड पे भगवान शंकर के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही कम ऐसा मिलता है कि हनुमान जी और भगवान शंकर के दर्शन साथ में हो। लिंक के रूप में भगवान शंकर और हनुमान जी के दर्शन एक साथ कर सकते हो आप, जो कि एंट्री करते हुए राइट हैंड में ही मिलेंगे आपको। और सजावट देख लीजिए नवरात्र की, कितनी जबरदस्त हुई है यहाँ पे। ये वो जो वर्क देख रहे हो आप, ये पूरा चांदी का है। दोस्तों, राजा भोसले ने जब इस देवी को विराजित किया था यहाँ पे, तो इस देवी का नाम नगर देवी था, ना कि आगाराम देवी। अब हम आगे बताएंगे आपको आगाराम देवी इसका नाम क्यों पड़ा है। राजा भोसले ने जिस व्यक्ति को इसे संभालने की जिम्मेदारी दी थी, उन्हीं का नाम आगाराम सेठ था और उन्हीं को सब आगाराम सेठ का पुकारते थे। आगे जाके प्रचलन में यही नाम देवी को दिया गया और आगाराम देवी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। तभी से इस मंदिर को आगाराम देवी मंदिर कहा जाता है, ना कि नगर देवी के मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर राजा रघु जी ने 350 से 400 साल पहले बनवाया था और चिमाजी अप्पा, उनसे पहले राजाओं का ये मंदिर बताया जाता है। और इस मंदिर की बहुत ही महत्व था। जब राजा जी किसी लड़ाई या किसी शुभ कार्य में जाते थे तो माता जी के दर्शन करके ही जाते थे। ये जो पूरा पांडाल देख रहे हो आप, ये नवरात्रि के लिए बांधा गया था। नवरात्रि में भक्तों की बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरी सुविधा करके रखे थे और बहुत ही दर्शन के लिए भाविक लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत ही भीड़ होती है। मंदिर का घुमट देखिए, ये बाद में बनाया गया पुरातन मंदिर तो छोटा था, आप देख सकते हो। अभी ट्रस्ट भी है यहाँ पे, 1992 में शायद ट्रस्ट बैठा था यहाँ पे बना, तो वही अरेंजमेंट करते हैं अब यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 300 ज्योत कलश स्थापना होती है नवरात्रि में, देख सकते हो आप उसका जो रखरखाव यहाँ पे रखा गया था। तो अभी सब साफ करना चालू है, नवरात्रि को 2 ही 3 दिन ही हुए अभी ख़त्म हुए तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ होता है।
और आपको बताना चाहूँगा कि आगाराम शब्द कोई पुराणों में लिखा नहीं गया। इस देवी का नाम असल में नगर देवी देवी है वो जो आगाराम देवी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय माता दी।